नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह मेला आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही वहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रयागराज कुंभ परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ संगम बनेगा और योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इसे आध्यात्मिकता के समागम के साथ ही स्वच्छता के लिए भी नई सोच का मंच बनाया जा रहा है। सरकार का यह एजेंडा है कि स्वच्छ कुंभ और स्वच्छ गंगा। पूरा प्रयास यह किया जा रहा है कि यहाँ आने वाले को हर दर्शनार्थी को नए भारत और नए कुंभ का एहसास हो। यहाँ से पूरी दुनिया को स्वच्छता, एकता और अध्यात्म का संदेश दिया जा सके, इसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी मिशन मोड में भी काम कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि अलग अलग विभागों को 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है और इसके माध्यम से कुंभ में आने वाले करोड़ों देशवासियों को यह सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कुंभ 2019 को स्वच्छता की मिसाल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 24 घंटे बिजली मिलेगी, वाईफाई की सुविधा होगी और टेंट कॉलोनी में आधुनिकतम सुविधाएं दी जाएगी। 15 करोड़ के लगभग लोग यहां आएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है और 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में भव्य कुंभ मेले का आयोजन होगा। 5000 स्विस कॉटेज युक्त टेंट सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसमें सुपर लग्जरी स्विस कॉटेज का निर्माण होगा। पहली बार मेला क्षेत्र में डिजिटल खोया पाया केंद्र भी खोला जा रहा है और बिछड़े हुए बच्चों की इसमें फोटो डिस्प्ले की जाएगी।